नमस्कार दोस्तों, निर्मला की रसोई में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके साथ बनाना केक की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। जब भी आपको छोटी मोटी भूख लगे या मीठा खाने का मन हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। यह मिनटों में बनने वाली रेसिपी है और इसे हम बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो आइए चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमने दो पके हुए बनाना ले लिए हैं। छिलके उतारने के बाद इसे टुकड़ों में करके हमने ग्राइंडर जार में डाल लिया है। साथ ही आधी कटोरी चीनी डाल ली है और एक कटोरी दूध डाल लिया है और एक चम्मच हमने वनीला एसेंस डाल लिए हैं। इन सब चीज़ों का हमने फाइन पेस्ट बना करके एक बाउल में निकाल लिया है और अब हम एक कटोरी गेहूं का आटा इसमें ऐड करेंगे और अब एक चम्मच बेकिंग पाउडर डाले हैं और आधा चम्मच बेकिंग सोडा यूज़ किए हैं और एक चुटकी नमक। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम विस्कर की हेल्प से इसे एक स्मूथ पेस्ट तैयार होने तक अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक बढ़िया स्मूथ पेस्ट हमारा बन करके तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। और अब हम गैस पर एक नॉन स्टिक तवा गरम कर लेते हैं और इस पे थोड़ा सा देसी घी या फिर रिफाइंड ऑयल, जो भी आपको पसंद हो, उसे इस पर डाल के एक टिश्यू पेपर से पोंछ लेते हैं। और अब हम एक कलछी बैटर उठा के तवे पे पोर कर लेते हैं और एक मिनट में ही आप देखेंगे कि इस पर जाली पड़ना शुरू हो जाता है। जब इस तरह से जाली पड़ जाती है तो इसे हम फ्लिप कर देते हैं और गैस फ्लेम हमने स्लो ही रखा है। बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है, एकदम एक मिनट की रेसिपी है। दोनों तरफ सिकने में हमें सिर्फ दो मिनट का वक्त लगता है और आप देख सकते हैं कि कितना सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है। इसी तरीके से हम बाकी के सारे पैनकेक बना करके तैयार कर लेंगे। इतने बैटर में हमने 11-12 पैनकेक बना करके तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में।